तो बच्चों उपभोक्ता बचत के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो पढ़ी हुई है जिसमें हमने आपको मार्शल का उपभोक्ता बचत बताया हुआ है, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हिक्स के उपभोक्ता बचत की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से समझिएगा, खासतौर पर यूजीसी नेट के बच्चों के लिए। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग और इसके अलावा हमने यूजी और पीजी के अकॉर्डिंग यानी पीजी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अकॉर्डिंग हमने काफी सारी वीडियो बच्चों बनाई हुई है, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेज मिलेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो वो जो कोर्सेज हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हैं। तो अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में और जानना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पर आपको सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, अभी का जो टॉपिक है उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मार्शल का जो उपभोक्ता बचत है वो क्या था। देखिए मार्शल ने कहा कि मैं आपको बहुत थोड़े से शब्दों में समझा रहा हूं, डिटेल में तो आपको वहां में मिल जाएगा। ये मार्शल का मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको हिक्स का बताऊंगा। ये हमारा है, यहां पे एक्स वस्तु लिख देते हैं, यहां पे हम वाई वस्तु लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो एक्स वस्तु है और जो वाई वस्तु है उसमें से ये जो है ना, ये हमारी सीमांत उपयोगिता है, यानी कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता लगातार गिर रही है और उपभोक्ता ये कीमत देने को तैयार है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है ना, ये वाला ये जो है स्थिति में ये उपभोक्ता बचत होगा, ठीक है बच्चों, उपभोक्ता बचत होगा। तो ये हमने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा हुआ है, ये मार्शल का उपभोक्ता बचत है बच्चों। हिक्स ने इस उपभोक्ता बचत की दो बातों पर विरोध किया। पहला मैं आपको यहां लिख देता हूं, पहला कि इसमें जो गणनावाचक उपयोगिता का, गणनावाचक उपयोगिता का, यानी कि इन्होंने ये माना था कि, यानी कि जो मार्शल है उनके दृष्टिकोण में ये माना था कि उपयोगिता को हम अंकों में माप सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। हिक्स का कहना था कि ये गलत है, उपयोगिता को हम अंकों में नहीं माप सकते। हम अगर उपयोगिता को मापना चाहेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उपयोगिता तो मन की स्थिति है। इसलिए उन्होंने उपयोगिता के गणनावाचक की जगह क्रमवाचक विचार व्यक्त किया, क्रमवाचक उपयोगिता का विचार व्यक्त किया, ठीक है। दूसरा उनकी ये, यानी कि ये रिप्लेस किया क्रमवाचक से। दूसरा इसकी सबसे बड़ी जो बुराई उन्होंने बताई वो है कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता उन्होंने स्थिर मानी थी, स्थिर रहती है, ये मार्शल का विचार है। तो इसकी भी आलोचना की, उन्होंने कहा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है, बल्कि कई बार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बदल भी जाती है। तो ये दो पॉइंट पे उन्होंने जो मार्शल के अप्रोच की आलोचना की और अपनी नई विचार दिया, जिसको आप बोल सकते हो उपभोक्ता की बचत। तो उपभोक्ता बचत किस तरीके से बच्चों निकालते, मैं आपको हिक्स का दृष्टिकोण बता रहा हूं। हिक्स की उपभोक्ता बचत, उपभोक्ता बचत, ठीक है, हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ रहे हैं। मान लीजिए हमारी इनकम जो है वो 100 रुपए की बने, यानी कि मैक्सिमम हम 100 रुपए की बने, लेकिन हमें वस्तु की कीमत नहीं पता। तो वस्तु की कीमत नहीं पता लेकिन हम वस्तु को खरीदने तो चाहते हैं। अब मान लीजिए कि मैं वस्तु के लिए 60 रुपए खर्च करने को तैयार हूं, यानी कि वस्तु खरीदने के लिए मैं कितने रुपए देने को तैयार हूं, 60 रुपए खर्च करने को तैयार हूं, ठीक है। और 60 रुपए में मान लीजिए चलिए 60 रुपए में 10 यूनिट खरीद लेता हूं, मतलब मुझे 10 यूनिट खरीदने की जरूरत है और 10 यूनिट के लिए मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 रुपए दे सकता हूं, ये मैंने मान लिया। अब लेकिन मुझे प्राइस पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जब मैं मार्केट में जाता हूं तो मार्केट में पता चलता है कि जो प्राइस चल रहा है वो तो 5 रुपए पर यूनिट चल रहा है। इसका मतलब मुझे 10 यूनिट खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपए खरीदने के लिए देने पड़ेंगे 50 रुपए। इसका मतलब बात वही है, देने के लिए मैं तैयार था 60 के लिए, लेकिन वास्तव में दे रहा हूं मैं 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 में से 50 माइनस कर दोगे तो 10 रुपए की उपभोक्ता बचत हो गई। लेकिन यहां पर जो गणना की गई है वो क्रमवाचक की गई है, गणनावाचक की गई है और यहां पर क्रमवाचक की गई है। कैसे करेंगे वो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं बच्चों, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम है, यहां पर हम क्या लिख देते हैं, एक्स वस्तु लिख रहे हैं नीचे
और ऊपर लिख रहा है वाई वस्तु, सॉरी वाई वस्तु नहीं, उपभोक्ता की आय, ठीक है, आय यानी कि आय का हिस्सा हमने यहाँ लिख लिया। तो आय को हम कितना लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने ओ एम लिख लिया है, यानी कि ये हमारी आय है 100 रुपये की। इसका मतलब अगर हमारे पास 100 रुपये रहते हैं तो हम 0 वस्तु खरीदेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बजट लाइन नहीं बना रहे बल्कि एक इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं, यानी कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है और इतनी वस्तु हमें खरीदनी है, ठीक है, मान लो 10। इसका मतलब इस वस्तु खरीदने के लिए मैं आपको खर्च करने को तैयार हूँ ओ एन, यानी कि इतना पैसा मैं खर्च करने को तैयार हूँ, ये मैं रेडी हूँ, ये मैं खर्च करने को तैयार हूँ, खर्च करने को रेडी हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये हमारा 40 आ गया, ठीक है। तो खर्चा कितना है बच्चों, ऊपर से नीचे खर्चा, देखिए ये हमारा खर्चा है। अगर मैं ऐसे लगा दूँ इसको, इस पॉइंट को लगा दें, इसको मैं ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ और इसको मैं एल बोल देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास टोटल ए एल पैसा है, जिसको कि खर्च, और मैं ओ एक्स वस्तु खरीदने के लिए मैं ए भी पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। ये तब है जब मुझे कीमत के बारे में जानकारी नहीं है। अब मान लीजिए कीमत के बारे में जानकारी हो गई और हमें पता चल गया है कि जो कीमत है वो 5 रुपये पर यूनिट है, ठीक है। तो 5 रुपये पर यूनिट का मतलब ये हुआ कि अब मैं 20 यूनिट खरीदने को रेडी हूँ, मैं 20 यूनिट खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 20 लिख लेता हूँ, लेकिन खरीदनी तो मुझे 5 ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरे लिए जो उपभोक्ता का बिंदु है वो देखिए ये वाला है, ये मैं ले लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब मेरे लिए ये वाला पॉइंट है ए, इसको हम नाम देते हैं डी, दे देते हैं डी। तो ये उपभोक्ता संतुलन बिंदु है IC2 पर। इसका मतलब उपभोक्ता कितने पैसे खर्च करने को तैयार था, पहले वो ए भी खर्च करने को तैयार था, लेकिन वो वास्तव में कितने खर्च कर रहा है, ए डी। इसका मतलब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको चाहे एच बोल देते हैं, चाहे तो एच एन बोल देते हैं, चाहे डी बोल देते हैं, यही उपभोक्ता की बचत है। यानी कि उपभोक्ता जो है, जब उसको कीमत के बारे में जानकारी नहीं थी तब वो ए भी कीमत देने को तैयार है, ए भी कीमत देने को तैयार है, तैयार है, ठीक है। लेकिन वो वास्तव में कितनी दे रहा है, ए डी कीमत उपभोक्ता दे रहा है। इस स्थिति में जो ए बी, जो बी डी है, बी और डी, वो उपभोक्ता की बचत को दर्शाती है। तो बच्चों मार्शल से कंपेयर करें, अगर देखिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान है दोनों ही स्थिति में, मान लीजिए हिक्स ने भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को समान माना, तो इस स्थिति में हमारा यही डायग्राम बनेगा, मतलब ए बी के बराबर, यानी कि मार्शल की जो उपभोक्ता बचत है और जो हिक्स की उपभोक्ता बचत है उसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अलग अलग है, मान लीजिए इस तरीके की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, यानी कि वो इतना पैसा देने को तैयार है, तो उसकी मतलब इस स्थिति में उपभोक्ता की जो बचत होगी वो केवल डी और सी होगी। यानी कि बेसिकली मैं आपको ये सब तो नहीं बताना चाह रहा हूँ, सीमांत उपयोगिता के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे बच्चों। फिलहाल आपको जो उपभोक्ता बचत का कंसेप्ट है आप उसको समझ लीजिए कि इस स्थिति में उपभोक्ता बचत जो है वो डीबी के बराबर है, यानी कि वास्तव में वो कीमत देने को तैयार था जब उसे कीमत के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कि आप तो ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं और आप वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए ए भी पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जब वॉशिंग मशीन खरीदने गए उसकी कीमत के बारे में पता लगा तो आपको लगा कि यार तो बहुत सस्ता मिल रहा है, ए डी कीमत में मिल रहा है। तो ये जो बी डी है यही आपका उपभोक्ता की बचत कहलाएगा। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा हिक्सा कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हिक्स की उपभोक्ता बचत के बारे में जानकारी हो गई होगी। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर आपके बहुत सारे कोर्सेज जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।